मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर सोमवार को दिन दहाड़े बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर विद्युत विभाग के कैशियर से लाखों रुपए की लूट को अंजाम दे डाला। सोमवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली क्षेत्र की रोहाना चौकी क्षेत्र स्थित बिजली घर का कैशियर शेखर शहर स्थित सीनियर डिवीजन में कैश जमा करने के लिए बाइक से रोजाना की भांति निकला था। वहीं मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियारों के बल पर कैशियर शेखर से 3,10,000 रुपए का सरकारी कैश लूट लिया और बेखौफ अज्ञात बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। लूट की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच की। बहरहाल पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए सीओ सिटी हरीश भदौरिया ने बताया कि पीड़ित कैशियर शेखर को प्रतिदिन अपनी सीनियर डिवीजन मुजफ्फरनगर में कैश जमा करना होता था, लेकिन शेखर ने पिछले 27 सितंबर से कैश जमा नहीं कराया, जबकि विद्युत विभाग की यह सीनियर डिवीजन जहां कैश जमा होता है वह उसके घर जाने के रास्ते में ही पड़ती है। पुलिस अपनी जांच में इन्हीं सभी बिंदुओं पर शेखर से पूछताछ करने में जुटी है। क्या हुआ, क्या घटनाक्रम है? नहीं, हमारा एक लाइन में वो है T2 और ये डेली कैश जमा करता है रोहना बिजली घर पे। आज कैश लेके जा रहा था जी। अब जैसे उसने बताया कि रास्ते में जाते जाते दो लड़के आए और उसके मतलब कट्टे वट्टे दिखाए, उसको कैश छीन के भाग गए। कितना कैश था? कैश जैसा बता रहा है 2.5-3 लाख रुपये बता रहा है, 2.5-3 लाख रुपये। अच्छा, कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था? नहीं, रोहना बिजली घर से आ रहा था, कैश जमा कर रहा था, मतलब करते हैं रोहना बिजली घर पे और मुजफ्फरनगर जमा करने जा रहा था। घटना कहाँ हुई इसके साथ? घटना तो ये हाईवे पे ही हुई है, यहाँ पे रोहना से लगभग 2 किलोमीटर आगे मुजफ्फरनगर की तरफ चलती है, नेशनल हाईवे पे। हाँ। अच्छा, कितने लोग थे इसके साथ? नहीं, अकेले ही जा रहा था, डेली भी डेली अकेला जा रहा था। अच्छा, डेली अकेले जाता है ये, हमेशा अकेले ही जमा करता था? नहीं, हाँ, यहाँ से कैश करके मुजफ्फरनगर जमा करके घर निकल जाता है। अच्छा, कितने बदमाश आए हाईवे पर, लूट हुई है दिन दहाड़े, क्या कहेंगे आप? दो बदमाश जैसे बता रहा, दो बदमाश दो थे जिनके हाथ में कट्टे वगैरह थे, लूटकर कपड़ा वाम रखा था। क्या मानते हैं, दिन दहाड़े हाईवे पर लूट हो रही है, तो कैसी कानून व्यवस्था? ये तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें हर 5 किलोमीटर अंडर डायल भी चलती है। हाँ, नहीं, दो ये बता रहा, जो 2-3 बार ऐसे 100 नंबर पर जो फोन भी किया, फोन रिसीव नहीं हुआ। मैं रास्ते में आते आते मैंने भी 2 बार फोन करा था बिजली कर्मचारी के साथ। क्या है पूरा मामला? वाहना चौकी क्षेत्र में एक शेखर चंद बिजली कर्मचारी है, जिसका शिकायत की है। उसने बताया कि उसके पास 3,10,000 रुपये सरकारी कैश था, जिसे वो जमा करने जा रहा था। पीछे से आए दो बाइक सवार ने उसका कैश छीन लिया। जब उससे विस्तार से बातचीत की गई, पूछा गया ये कैश, उसने बताया कि ये कैश मैंने 27 तारीख से जमा नहीं किया है, 27, 28, 29, 30, ये 4 दिनों का कैश आपके पास कैसे है? तो कोई बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, जबकि उसे पर डे का कैश पर डे जमा करना होता है। 27 तारीख को जो उसने संचय किया उसे 27 तारीख को जमा करना होता है बैंक में, 28 का 28 को, यानी जिस दिन जो भी कलेक्शन हो उसे उस दिन बैंक में जमा करना होता है। अगर आप बैंक में जमा नहीं कर पाते हैं तो जो इनका बड़ा कार्यालय है महावीर चौक पर, अपने मुख्यालय पर कैश जमा करना होता है। तो ना तो इसने बैंक में जमा किया, ना अपने बड़े कार्यालय पर जमा किया। ये रहने वाला धंधेड़ा गांव का है, धंधेड़ा गांव थाना शिखेड़ा में पड़ता है। जब भी अपने गांव जाएगा रोहाना से, तो शहर के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा। जब अपने ऑफिस वापस आएगा तो भी शहर के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा। ये जब जा रहा था जाते समय अपने घर, तो भी कैश जमा कर सकता था, वापसी आते समय भी कैश जमा कर सकता था। लेकिन इसके द्वारा 3-4 दिन लगातार कोई कैश जमा न कर पाया, इसकी संदिग्धता और संलिप्तता पर प्रश्न लगाती है, जिसकी पुलिस गहराई से जांच कर रही है। सर, विभाग को इस चीज़ की जानकारी थी कि इसने कई दिन से पैसा जमा नहीं किया? विभाग को जानकारी नहीं है। मैं अभी तुम्हारे उसको बैठ सुन रहा था कि SDO बता रहे हैं 2.5 लाख या 3 लाख रुपये, उन्हें एग्जैक्ट कैश की भी जानकारी। हम लोगों ने इससे पूछा किस तारीख को कितना कैश जमा किया, उसका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। देखते हैं, अभी कहना जल्दबाजी होगा, फिर भी सारे पहलुओं पर विस्तार से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।